एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुच्ची शख्सियत दे मालक चौधरी बंसीलाल जी पिछले दिने अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उनां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उनां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच श्री विजय कुमार, परवीन, सुजाता, विकास बरपग्गा, आशीष मंडेल, एंजल त्रिशान अते उनां दे समूह परिवार वल्लों कोंडल फार्म हाजीपुर मुकेरियां विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघा वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। चौधरी बंसीलाल जी दा जन्म पिता श्री मस्तराम जी दे घर माता श्रीमती रत्न देवी जी दी कुखों 24 मार्च 1945 नूं पिंड रामपुर हलेड़ दसुआ विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगट सियाने अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी ने अपनी JBT तक दी एजुकेशन पूरी कीती, उपरंत आप जी गवर्नमेंट जॉब विच आ गए अते गवर्नमेंट जॉब विच आप जी ने बतौर अध्यापक लम्मा समा सेवावां निभाईयां। चौधरी बंसीलाल जी बचपन तो ही बहुत ही मेहनती सन अते आप जी ने अपनी नौकरी प्राप्त करन तो बाद भी अपनी पढ़ाई नु जारी रखिया अते आप जी ने MA BEd तक दी एजुकेशन हासिल कीती अते प्रिंसिपल बने अते आप जी ने लम्मा समा बतौर प्रिंसिपल सेवावां निभाईयां अते इसे ही ओहदे तो आप जी सेवा मुक्त होए। चौधरी बंसीलाल जी हुणा दा व्याह मिसेस संतोष कुमारी जी हुणा नाल होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपनिया परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटे विजय कुमार अते बेटी सुजाता ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बेटे श्री विजय कुमार जी भी बतौर अध्यापक सेवावां निभा रहे हन अते अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चल के उनां दे नाम नूं चार चन्न लगा रहे हन। चौधरी बंसीलाल जी बहुत ही मेहनती सन। चौधरी बंसीलाल जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। चौधरी बंसीलाल जी एक अगांवधू इंसान सन अते एक अगांवधू आगू भी सन। आप जी भारतीय विकास परिषद नाल अंतले समय तक जुड़े रहे अते इस दे आप जी ब्लॉक प्रेसिडेंट दे ओहदे ते भी रहे। इस दे नाल नाल आप जी पेंशनर एसोसिएशन पंजाब दे ब्लॉक तलवाड़ा दे डिस्ट्रिक्ट सलाहकार रहे अते सकत्तर दे ओहदे ते भी रहे। इत्थे ही बस नहीं, आप जी दे मिसेज लेट श्री संतोष कुमारी जी भी जिला परिषद दे वाइस प्रेसिडेंट वजों लम्मा समा सेवावां निभाउंदे रहे अते आप जी दोनों अपने कार्यकाल दौरान आम लोकां दे कंधे नाल कंधा मिला के चले अते हमेशा ही आम जनता दे विकास लई आप जी ने अहम यतन अदा कीते। चौधरी बंसीलाल जी दी फुलवाड़ी मौजूदा समय विच आशीष मंडेल, एंजल अते त्रिशान नाल महक रही है। Jagrat na sab.
Thank you.
रसनाला रवि जय
अच्छा स्वस्थ थी, कभी कभी कोई समस्या स्वास्थ्य आ जाती थी। परिवार ने बहुत बढ़िया जिहड़े प्रसिद्ध डॉक्टर ने उत्तरी भारत के उन्हों तो हस्पताल लै गए, उत्थे इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान ही अपनी स्वास्थ्य की पूर्ति जी पूरी कर गई। उन्होंने इकलौते सपुत्र विजय जी, नाम तो उन्होंने विजय जी है, बहुत अच्छी है। विजय भारती करण का प्रतीक है विजय, लेकिन उन्होंने जी सेवा दे के सरवण कुमार मेरा कहने का दिल करता है। बहुत ही एक आज्ञाकारी पुत्र भी सुपुत्र की भूमिका निभाई है। उन्होंने धर्म पत्नी प्रवीण जी ने भी उन्होंने चरण जोड़े भूमि से नहीं पैर दिते। कई बार परिवार आना जाना संगठन के कारण साढ़े जुड़े रहे हैं। हाजीपुर के अनेक गतिविधियां का केंद्र से, हाजीपुर के विकास प्रति होर भी जो समाजिक संगठन ने धार्मिक उन्होंने साढ़ा प्यार से। भारत विकास परिषद के स्टेट कौंसल के गोल्डन सदस्य सन और जिला हुशियारपुर के पूर्व प्रधान। इस शाखा को चलाने उन्होंने कर्मच सेवा रही है। केवल उन्होंने सेवा नहीं, उन्होंने धर्म पत्नी संतोष जी जो लगभग 4 साल पूर्व संसार की यात्रा पूरी करके चले गए सन, उन्होंने भी सहयोग रहा है। जो संगठन वालों आदेश जारी होया कि उन्होंने जिला परिषद भेजना है, जिला परिषद का बड़ा कठिन है, MLA नालों ज्यादा कठिन है,
ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 4-5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਜੀ ਵੀ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵਕਤਾ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕੇਵਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਤੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਪ ਮੂਰਤੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਵੈਕੁੰਠ ਵਾਸੀ ਮਹੰਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸ਼ਤਰ ਸ਼ਾਏ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੀ ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਰਲਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀਪੁਰ ਬੁੱਢਾਵਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਸਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਵਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਅਤੇ 2:10 ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ 10 ਮਿੰਟ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮਾਈਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਐਮਐਲ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਹੈ ਬਹਾਰੇ ਬਾਗ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਬਹਾਰੇ ਬਾਗ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਅਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਕਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਾਗ ਇਹ ਬਹਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੀ ਬਾਦ ਮੈਨ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 6 ਫੁੱਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਫੇਦ ਬਾਲ ਟੋਟਲ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਸੁੰਦਰ ਸੁਡੌਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਸ ਜਮ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਐਕਸਲੈਂਟ ਹੀਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜੀਪੁਰ ਆ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦੇਅਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤਲਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਆਣ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸੋਨਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਾਡਾ
जदों हीरा उस संस्था के नाल जुड़ गया तो यदी शान जड़ी सी बहुत निराली हो गई, बड़ा खूबसूरत है वो गहना भी सजा और हीरा भी सजा। साथियों दो चार गल सिर्फ मैं सिर्फ दो ही मिनट का आग्ञा हुक्म होया कि दो मिनट लैने दो तो बद नहीं। मैं तुम दसदा कि हर बंदा इतने कि दुनिया बैठी है वो उन्होंने एक गुण दसदा ही वाज मैन ऑफ कैरेक्टर। दुनिया के लोग मैं बड़े देखे आ लेकिन इदा का चरित्रवान बंदा नहीं पैदा हो सकता। मैं प्राउड है वह दोस्त से माण है प्यो मेरा मित्र सी असी कट्ठिया पढ़ाया असी कट्ठिया भाईचारक संघ से साड़ी लागे लागे रेंदे सी कट्ठे इको स्टेज तो कल तक असी दूसरी स्टेज उपर किसी को श्रद्धांजलि देंदे सी अज सानू इन्हों श्रद्धांजलि देनी पै रही अज इन्हों देना देखा लापा की बारी आ। ये चेंज इज लॉ ऑफ नेचर कुदरत का असूल है कि बदलाहट चलती रही आ। अज जिथे कोई खड़ा कल उत्थे कोई होर खड़ा होना जिथे अज मैं खड़ा इतने कल होर को खड़ा होगा जिथे इन्हों की फोटो लगी हुई है अज श्री बंसी लाल जी की कल इतने किसी होर की फोटो होगी। इन्हों मित वक्ता से दूसरा पॉइंट मित वक्ता से बहुत घट जिनी देर कोई बोल बुलावे ना बोलते नहीं सी बहुत घट बोलते सी क्योंकि हर बंदे की अपनी शख्सियत होंगी। कई बंदे होंगे बिना मतलब तो बोलने वाले लेकिन विद्यावान जेडे विद्यावान लोग होंगे सियाने लोग होंगे वो अपनी जबान के उपर कंट्रोल रखते हैं। इन्हों का पूरा कंट्रोल से अपनी जबान के उपर जिनी देर इन्हों कोई बुलाने या बोलने कहता नहीं सी उन्नी देर एक गल नहीं करता। जो इन्होंने बाजार में या सड़क में जाना तो कोई जोड़ा आपको बुला लेता से तो बोलते से जो तो दुकानदार बाज मार लगा जी कि सर आ जाओ। इन्हों के स्टूडेंट भी बड़े बड़े और चंगे अहद्या लगे हुए हैं तो बिना मतलब तो गल नहीं करते। ही वाज मैन ऑफ प्रिंसीपल नियमों के बड़े सख्त से नियमों के बड़े पक्के से ही वाज मैन ऑफ प्रिंसीपल तो नियमों का इंसान होना बड़ी वड्डी गल है। साढ़े बैच विचों हाजीपुर तो साढ़े बैच विचों ये पहले मुख अध्यापक से जेडे बठिंडा विखे रामपुरा फूल विखे बतौर मुख अध्यापक नियुक्त हुए और उत्थे इन्होंने सर्विस की। उस तो बाद इधर तलवाड़ा विखे आए। सो मैं कहना अजिहे शख्सियत बड़े भागां नाल हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पर रोती है हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पर रोती है। अरे बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा मर पैदा। बंसी लाल लड़कियां शिक्षित ऐसा नहीं होंगे धरती थी तो जिस धरती से जन्म लिया वो पीर फकीर पैगंबर की धरती रामपुर हलेड़ चल जानते हो उत्थे दे जंपल और हाजीपुर से आण के डेरा बहुत कमाल का वातावरण उत्थे भी वधिया ते इत्थे भी वधिया। मैं साढ़े वशिष्ठ जी बैठे वशिष्ठ जी मैं इस धरती नूं लख लख बार करोड़ करोड़ बार नमन करना हाजीपुर की धरती नूं। इस धरती ने बड़े लोगों नूं पनाह दित्ती आ बड़े लोगों नूं अपने आगोश च लिया जिहदे विचों प्रिंसीपल मोहन लाल घोसला भी तुहाडे सामने खड़ा है। इस धरती ने मैनू भी इतने सिर लगाउण लई पनाह दित्ती है ते जिहड़े मेरे रहबर हन श्री वशिष्ठ जी बैठे हन मैं धन्नवाद करदा हाँ। इन्हां शब्दां दे नाल बहुत क्योंकि दो मिनट दा चलो घोसला जी तों बाद गल पूरी हो गई आ हुण मैं अपनी गल खत्म करन लगा ते बंसी लाल जी जांदे जांदे ते उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो न जाने किस गली में अपनी भी शाम हो जाए। बंसी लाल
शोक समागम करके साथियों असी गवर्नमेंट टीचर यूनियन दे विच लंबे समय तक काम किया। मैं उसके प्रधान हुंदा सी, ये टीचर सन। उस तो बाद वो इंसीडेंट कि मॉडल स्कूल दे विच मैं टीचर से 1985 दे विच ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਜੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ हेडमास्टर बने तो उस वेला कमाल की गल है कि मॉडल स्कूल के ऐसिया घटनावान हुई, चंगी घटनावान हुई, जिदा सानू मतलब कोई इस तरह का कोई स्कूल मुखी शायद मैं अपनी जिंदगी कोई देखा होगा। मैं रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट तो बाद चौधरी बंसी लाल 5-6 साल तो बाद रिटायर हुए और पेंशनर जथेबंदी दे विच तहसील मुकेरिया दे 9 साल प्रधान रहे। उस तो बाद मैं इत्थे प्रधान बनिया, मैनू उन्होंने चुनिया ते साढ़े मुख सलाहकार 6 साल तक रहे। लास्ट जिहड़ी साडी मीटिंग हुई पेंशनर दी 12 नवंबर को, उन्होंने जोड़ा भाषण होंगे सी लास्ट में असं कराते सन, क्योंकि बजुर्ग बंदे होंगे न, बहुत सारिया मुश्किल होंगे, घरेलू मुश्किल होंगे, तो अंत दे हर एक खुश करके भेजते सर। समा बहुत थोड़ा, घटनावान बहुत ज़्यादा न। जे मैं एक घटना एक मिनट फालतू लवागा, एक समय ऐसा आया कि असीं मॉडल स्कूल के 6 कमरे लोगों को पैसे मंग के बनवाए। किसी बंदे ने दबाव पाया कि मिनिस्टर तो ये उद्घाटन कराया जाए। असीं बहुते सहमत नहीं सी, क्यों सहमत नहीं सी, क्योंकि पैसे तो असीं लोगों पासों इकट्ठे किए, सरकार पैसे नहीं सी दे रही। जड़े 100 कार्ड इदा के स्कूल होंगे सी, दुकाना होंगे सी, उन्होंने पैसे देती सी सरकार। ये साड़ी मुख जड़ी उत्थे नाराजगी का कारण सीगा। सब तो पहला जो फंक्शन होया मैनू बुलाता, मैं सरकार के विरुद्ध बोलिया, डट के विरुद्ध बोलिया जो सरकार कर रही थी। तो चौधरी गल सुनने वाली है, चौधरी साहब ते इन्ना दबाव पाया कि इनू बिठाओ, इनू क्यों बुलाते हो। चौधरी साहब कह रहे थे कि मैं इन्होंने नहीं बिठा सकता, सारे टीचर इन्हों का कहना मानते ने, ठीक कह रहे। और उस तो बाद जी घटना की हुई कि इस गलते मिनिस्टर नाराज हो गए, खाना नहीं खाधा, चाह नहीं पीती, सारे लोग जड़े पर बाकी लोग जो 400 तो बाद 500 तो बाद पेरेंट्स आए थे वो बहुत खुश सन। और अगले दिन जिहड़ी घटना हुई मैं तो जरूर दसनी चाहता कि सारे टीचर डर गए कि नहीं, ज्ञान सिंह ने आप तो मरना, सानू भी मारना, मेरे नाल उन्होंने बाइकआउट करता। तो दूसरे पीरियड के बिच मेरे पास चौधरी साहब आप क्लास में आए, तुसी चिंता ना करो मैं तुहाडे नाल। मैं कहा चौधरी साहब कि मैं चिंता ही कोई नहीं, मेरे को सिर्फ सुधाव कोई गल नहीं निकली, मैं जान के क्या कि सरकार दी नीतियों के विरोध मैं बोलिया, मैनू मान है इस गल का। और बाद विच बहुत सारे साथियों ने कहा भी असी माफ़ी तुहाडे पासों मंगनी है, असी भी अगले दिन तुहाडा बाइकआउट किया। सो चौधरी साहब का गुण किन्ने न, कितनियां घटनावान न, कि लास्ट तक जे
जीवन दे विच परमात्मा ने एक पल भी नहीं देना बाकी तो फिर एक पल लोगों की सेवा समाज की सेवा तो बिना क्यों रहते हो घर क्यों बहते हो बजुर्ग भी तुम जोड़े है वो हिस्सा ये पा सकते हैं। इन्होंने शब्दों का मैं चौधरी साहब न इन्हे परिवार को मैं इस गल का विश्वास दिलाना कि आने वाले समय से कोई भी मुश्किल आती है असं जरूर उन्होंने हम संग रहेंगे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू की फतेह। अज असी सारे साढ़े बहुत ही सत्कार जो चौधरी बंसी लाल जी की अंतम अरदास दे विच असी शामिल होए उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते। सो मेरे तो पहला जिहड़े प्रवक्ता बोले ने उन्होंने चौधरी बंसी लाल के जीवन बारे भी और उन्होंने काम बारे भी जरा बाखूबी तो जोड़ा है दसिया। सो गुरु पैरी साध संघ जी चौधरी बंसी लाल बहुता जीवन जोड़ा सी उन्होंने तलवाड़े के जोड़ा है रहा क्योंकि तलवाड़े के बतौर और टीचर बॉर्डर स्कूल के भी सके और उत्थे स्टे उन्होंने जा रहे थे जिथे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अपना योगदान पाया उत्थे वो समाजिक तौर पर भी धार्मिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी जो समाज के नाल जुड़े रहे हैं। तलवाड़े रहिंदिआं साडे फैडरेशन के वो साडे जिहड़े सहयोगी एडवाइजर सीगे और तलवाड़े के विच ही साडे श्री गुरु रविदास मंदिर के नाल भी जुड़े रहे हैं और सत्संग घर साडे नाल स्वामी जिहड़ा डेरा साडा सत्संग घर है उहदे वो लगातार जी बतौर जी सैकटरी जी सेवा तलवाड़े के है और आर्थिक तौर पर भी जोड़े ने वो जुड़े रहे हैं। मेरे तो पहला उन्होंने धर्मपत्नी जी गल की है गोत्र तौर पर साढ़े भैन जी लगते सके और वह भी जोड़े है वाइस चेयरपर्सन के तौर पर विचरे ने। सो जितों तक चौधरी बंसी लाल के जीवन के बारे से वो समाज के नाल वो रूढ़ीवादी सोच के इंसान नहीं सी वो मॉडर्न जी अजक अगांधू सोच के विचार के इंसान सन और समाज में भी उन्होंने जी है अच्छी सेध दी है और एजुकेशन के उत्तर ने समाज जरा जोर दिता से भी एजुकेट होवो एजुकेशन के बगैर जोड़ा है समाज साडा किसी काम का नहीं। जिथे उन्होंने समाज सेवावान के अपना योगदान पाया उत्थे उन्होंने एक गरीब परिवार के पिछों उठ के और उन्हें माड़े हालातों के उन्होंने दिनों के इन्नी एजुकेशन हासिल करके वो टीचर लगे प्रिंसीपल की पोस्ट तो रिटायर हुए हैं उत्थे उन्होंने अपने बच्चों अपनी बेटी इन सारे पढ़ाया जो बाखूबी मालिक की मौज है पे देखो बच्चे जोड़े रुजगार के लगे हुए हैं तो उन्होंने भी अपने जीवन के जी है कोई घाट नहीं छी बच्चों वास्ते भी। सो जिथे चौधरी बंसी लाल जी अज असी श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते जा रहे हैं और वो सारे ही साख संबंधी इतने पहुँचे हो उन्होंने नाल काम करने वाले बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए टीचर जिन्होंने नाल काम किया और बतौर रिटायरमेंट तो बाद जो साडे गुप्ता जी जो साडे प्रधान ने उन्होंने नाल उन्होंने जो बाखूबी बहुत ही वाहबदू सोच रख के जो काम किया उन्होंने योगदान जोड़ा है पेंशनर एसोसीएशन के बहुत ज़्यादा है जिथे समाज के होर सारे बहुत सारे साडे सीनियर सिटीजन कौंसल जी तलवाड़े की हैगी है उसके भी साडे साथी तलवाड़े तो भी आए हैं जिदा साडे अवतार किशन जी साडे चेयरमैन आ नहीं सके कुछ से ढिली सी पर साडे उत्तम चंद बंसिया जी अपने साथी इतने बतौर अपने श्रद्धांजलि देने वास्ते पहुँचे ने। सो मैं बहुता समा नहीं लवागा क्योंकि जे उन्होंने जीवन के उत्ते बहुत ही झात मारी है काफ़ी समा लग सकता। सो सत्कारयोग साथीओ आप सच्ची सुची श्रद्धांजलि देने की साड़ी यो ही है कि जेडे उन्होंने विचार है जो उन्होंने समाज के सेवा की है जो सानू रेंदे अपनी जिंदगी उन्होंने सेध दी असी उसकी सेध के उत्ते चलिए उन्होंने विचार उत्ते कायम रहीए। चौधरी बंसी लाल जी चाहे साढ़े विचार नहीं हैं उन्होंने परिवार को जी घाट है वो तो घाट है वो तो पूरी नहीं होने वाली घाट है पर जी समाज में घाट हैगी है वो सानू सब तो बड़ी जी घाट है क्योंकि यह जे बुद्धिजीवी लोग ये जो बहुत घट मिलते हैं बाकी काम तो सारे करते हैं
असी बच्चों की सेवा करते हैं, पालते पोजते हैं, सब काम करते हैं, पर इंसान उ याद किया जाता पौधा जोड़ा कि समाज की खातर अपने सारी जिंदगी जी लाके चले जाता और समाज में सही सेध देकर जाता उसनों ही याद पौधा किया जाता। सो मैं पौधा नहीं कहूँगा। सो इन शब्दों के नाल मैं अपने वालों भी फेडरेशन वालों भी और जिन्हें भी तलवाड़े साढ़े जोड़े सीनियर सिटीजन कौंसल साथी उन्होंने वालों भी चौधरी बंसी लाल जी ने जो शरदा रिपोर्ट अर्पण करता हुआ मालिक यो अरदास करते हैं कि उन्होंने जोड़ा है परिवार को जोड़ा है भाणा मानने वर्ग बख्शे ता कि जी सत हैगी है वो अपना जरा वो सही योगदान कर सक। धन्यवाद जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू। शोक सभा के श्रद्धांजलि देने लिए चौधरी साहब ने सारे एकत्रित होए। मैं कई बार सोचता कि उन्होंने श्रद्धांजलि है कि अपने जीवन के बारे विचार करने की जरूरत है। ये दो गल ऐसे मौके पर विचार करने के लिए जरूरत पड़ती है। चौधरी साहब का जीवन सारे बुलारिया ने उन्होंने चरणों के श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। मेरा भी चौधरी साहब नाल बड़ा लंबा समय तो संपर्क है। 1982 के लालदार बाबा जी के दरबार च महंत राम प्रकाश दास जी ने उन्होंने जीवन की वो भी बैठे से मैं भी उत्थे सी ते उनकी बचपन की एक बड़ी लंबी कहानी उन्होंने सुनाई उन्होंने सामने बैठ के और सच मनो तो उस दिन के प्रति उन्होंने प्रति मैंने इतनी श्रद्धा पैदा हुई कि उस तो बाद साडा अटूट संबंध बन गया। 85 के जो सिक्ख्या के खेत्र च मैं भी आ गया और वह भी संत तलवाड़ा तो असी बड़ा आपे दे विच मिल के सलाह मशवरा कई गलों के विचार वटांदरा करते रहे। वो जिहड़ी उहदी सोच सी उस सोच नूं जिहड़ा भारत की एक जीवन पद्धति है पूरी मैनूं लगता है कि उन्होंने रग रग के खून खून के इस करके जो सिक्ख्या खेत्र के रहे तो उन्हों का व्यक्तिगत जीवन उन्हों का अपना परिवारिक जीवन और उस तो बाद रिटायरमेंट तो बाद जड़ा एक मनुख नूं बड़ा जरूरी है कि अपने लिए नहीं जो भारत का विचार है दूजे लिए जीना वो उन्होंने बखूबी नवाया। मैं लगता इस तो श्रेष्ठ जीवन होर कोई नहीं होंगे जो दूजे लिए जीता है दूजे लिए काम करता है। इस करके चौधरी साहब ने तय जीवन इस तरीके का नवाया है। अज उन्होंने जीवन की एक प्रेरणा सानू भी लेने की जरूरत है। इस करके मैं लगता कि उन्होंने जीवन के झलके के अपने जीवन के विचार करने की जरूरत है। उन्होंने तो परमात्मा ने एक अच्छा स्थान दे ही देना है क्योंकि उन्होंने कर्म और उन्होंने काम ही ऐसा है। मैं परिवार को भी विजय जी को भी यह कहना चाहता है कि तुसी कल्ले नहीं है एक बहुत बड़े समाज तो चौधरी साहब गेन है। भारत विकास परिषद जिस संस्था को उन्होंने रामगढ़ का जिक्र किया ना सारे कई बार आ जाते हैं कि असी उत्थे भी शाखा खोलती है उत्थे भी खोलती है तो एक बहुत बड़ा उन्होंने विस्तार भी किया है। ये वड्डा परिवार सारा तुहाडे नाल है। कदे भी परिवार महसूस करे कल्ला ना समझन साडियां जदों भी सेवा की जरूरत पेगी असी हाजिर है। इन शब्दों के नाल ही मैं अपने वालों तलवाड़ा दे वालों भी श्रद्धांजलि दिंदा हुआ अपनी गल पूरी करता। ओम शांति शांति शांति। चौधरी बंसी लाल जी की अंतम अरदास सारे ही एकत्रित साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। जय गुरदेव धन गुरदेव। किसी व्यक्ति दे काबिलियत का पैमाना दो घटनावां तो लगता है कि जो व्यक्ति पूरा होया उहदे संस्कार वेले किन्ने लोग सन। दूजी घटना कि जो उहदी अंतम अरदास सी उदों किन्ने लोग सन। तो मैं संस्कार ते नहीं पहुँच सकिया लेकिन अज अंतम अरदास ते पहुँच के मैं जो अनुभव किया कि अज सारे वर्गों के सारे पोलीटिकल पार्टियां के सारे समाज सुधारक धार्मिक आगू अज उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट कर पहुंचे आ। तो मैं कह सकता कि चौधरी बंसी लाल जी अधूरे नहीं पूरे मनुख बन के इस धरती तो गए आ परमात्मा के चरणों च जा बराजे आ और जिन्होंने अपनी जिंदगी अंदर होर मेहनत तपस्या करने तो बाद समाज के अंदर मुकाम हासिल किया कि कुछ लोग अपने लिए परिवार लिए
बहुत कुछ करते हैं, उन्होंने नाम फिर परिवार तक ही सीमित रहता। लेकिन जोड़े लोग समाज के लिए अगाह बदू सोच के मालिक होंगे है, समाज ने कम करते, उन्होंने सारा समाज जित करता। और इस करके अज चौरी बंसी लाल जी को एडे बड़े इकट्ठ ने, एडे बड़े हजूम ने शरदा के फुल भेंट करने, एकत्रित होकर अज उन्होंने शरदा के फुल भेंट किए हैं। क्योंकि मनुख की बहुत वड्डी त्रासदी है कि असी कोई चीज़ कोई वस्तु दुकान तो लैन जाने, पहला उसकी कीमत पूछते हैं, फिर कीमत पूछने तो बाद असी उसकी गरंटी पूछते हैं। और जेकर उस गरंटी तो मिथे समय तो पहला वो वस्तु टुटती है भजदी है, फिर असी आरामा देने जाने, वापस करने जाने, दुकानदार को गिले शिकवे भी करते हैं। लेकिन किड्डा वड्डा दुकान है कि जिहड़ा इंसान गरंटियां मंगदा उहदी अपनी गरंटी कोई नहीं, उहदा अपना तकाजा ही कोई नहीं। पर किसी ने दीवे नूं पुछिया सी कि तेरी की उम्र आ, की तेरी गरंटी आ कि तैनूं जदों भी कोई जगाउंदा है 30 लाख जगा दिंदा, जदों उहदी जी करदा तैनूं फूक मार के बजा दिंदा। एक दीवे का की जवाब सी कि इहदे विच कोई मेरी गरंटी नहीं, मैं किन्ना चिर जगदा रहांगा। लेकिन एक गल मैं गरंटी दिंदा कि जिन्ना चिर जगदा रोशनी दे के जाऊंगा। सो बंसी लाल जी सानू समाज में एक बहुत वड्डी रोशनी दे के गए हैं, मैं कह सकता कि साडे समाज में एक लाइट हाउस सन। और जिस खेत्र दे विचों पैदा होके एडिया बुलंदियों को टच करना, एडा बड़ा नवेकलापन लैके समाज में अपना नाम बनाना, मैं कह सकता कि बहुत वड्डी उन्होंने अंदर लालसा सी समाज के अंदर कुछ करने की, और जिहड़ा कुछ करके गए हैं। सो इस करके कई बार मनुख जिहड़ा बहुत वड्डे दावे करता है, बहुत वड्डियां गल्लां भी करता है, लेकिन मैं कह सकता कि मनुख के अंदर दावे करने वाली कोई गल नहीं, परमात्मा के अंदर ही सारा कुछ है। क्योंकि मौत का केस मनुख जिहड़ा बहुत बुरी तरह हारता है। आम तौर पर असी कोई लोअर केस चो केस हार जाने, फिर असी सैशन कोर्ट जाने, सैशन कोर्ट चो हार गए, हाई कोर्ट जाने, हाई कोर्ट चो हार गए, सुप्रीम कोर्ट चल गए, सुप्रीम कोर्ट चो भी कई केस जिहड़े आ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया देश के राष्ट्रपति को भी कंसिडर होते हैं। लेकिन मौत के केस मनुख क्यों हारता जी, ना कोई अपील आ, ना कोई दलील है, तो ना कोई वकील। सो इस करके जिनी परमात्मा ने उन्होंने श्वासा की पूंजी बख्शी सी, वो बड़ी वधिया तरीके ना बहुत वधिया समाज अंदर जी के गए आ। और उन्होंने होर आर्स पुत्र विजय कुमार जी, उन्होंने इस गल का साथ होना चाहिए कि कोई भी दुनिया की ताकत चौरी बंसी लाल वापस नहीं लिया सकती, लेकिन जो कुछ असी कर सकते होवे सारा समाज थोड़े नाल, उत्ते कभी पिछे नहीं हटांगे। सो इनियां बेनतियां करदा, उन्होंने शरदा के फुल भेंट करदा। गुरबाणी की आखिरी सत्रा पढ़ के मैं किमत जाच कहां, संबत साह लिखिया दिल कर पाव तेल दियो सकन सीसरिया जो होवे साहब सो मेल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। उस पूरन पुरुष नु श्रद्धा सुमन भेंट करना आए हैं जिन्होंने अपने जीवन दे विच जो भी नियम निर्धारित किए उन्हें अनुसार सारा जीवन चले, समय ते चलना उन्होंने मैनू सिखाया कि समय तो उरे परे नहीं होना चाहिए। असी बहुत कुछ उन्होंने सीखा, बड़ा कुछ इतने दसिया गया। उन्होंने नाल अध्यापन करने वाले भी इतने साथी उन्होंने रिटायर बैठे है, अगे पढ़ाने वाले भी बैठे है।
जीवन अपना तो हर व्यक्ति कट लैंदा, अपने परिवार को हर तरीके ना चला लैंदा, लेकिन समाज दे विच विचरना, उन्हां मुल्यां नूं लै के विचरना जिन्हां मुल्यां ते अपना जीवन कटिया, रिटायरमेंट के बाद उदां चलना बड़ा औखा है। लेकिन प्रिंसीपल बंसी लाल जी ने वो जीवन पूरे तरह कटे, समाज के क्षेत्र च, धार्मिक क्षेत्र च, राजनीति के क्षेत्र च वो कामयाब है। मैं उन्होंने एक व्यक्ति नहीं मानता, मैं समझदा कि वो अपने आप दे विच एक इंस्टीट्यूशन सी कि जिथे भी गए वो फिट हो जाते। जे भारत विकास परिषद में आए तो बुलंदियां ते पहुंचे, पर असी कई बार उन्हों को कहते होंगे सी कई गल्लां ते विचार करना, पर उन्होंने अपनी राय जिहड़ी है बिल्कुल सही दी। नहीं तो आदमी कहता चलो यार पूछा जिदा का भी है दसी जाओ। उन्होंने चिमचागिरी किसी की नहीं की, नहीं तो अजक लोग जड़े है ना चिमचागिरी नाल अगे बढ़ते हैं, लेकिन वो अपने काम करन दे नाल अगे बढ़े। पर मैं समझदा कि उन्होंने बेटा विजय कुमार जी कुछ दिन पहले, क्योंकि जो मृत्यु हुई सब पता नहीं लग्या, कुछ दिन पहले मैं गया सी इन्हों को दस्या सारा कुछ, इन्होंने ये शरीर के विच जिहड़ी मशीनरी है पता नहीं लगता कितों किस वेले खराब हो जाणी। विजय कुमार जी ने उन्हां दी पत्नी ने बहुत सेवा की, और मैं विजय कुमार जी अगे यही बेनती करांगा कि उन्होंने ना जिहड़ा अपना इस समाज दे विच बनाया है अपने जीवन की घालना करके उन्हों अगे होर वधाना तुहाडा काम, ये तुहाडी जिम्मेदारी है कि प्रिंसीपल बंसी लाल जी का ना इस इलाके दे विच रहे। जे तुसी उन्हां दे दसे दे अपने जीवन च उन्होंने अपनाए दे मार्ग ते चलोगे ते वो सदा जिंदा रहेंगे, कर्म ही जिंदा रखता है। ते जे तुसी उत्थों भटक गए ते तुहाडा नाम ही गया तो उन्हां दा भी गया। अज सारे असी इत्थे बैठे हाँ, उस पूरन पुरश नूं मैं समझदा पूरन सी अपने आप, क्योंकि जिस क्षेत्र भी गए अपना नाम बनाया वह भी बंदा पूरन होगा। श्रद्धा सुमन भेट कर ली हो, मैं थोड़े तो नाल कहते समूहिक प्रार्थना दे विच बहुत बल हुंदा जिहड़ी आचार्य जी ने वासुदेवा जी ने दसी है गल, इन्हां दे पिता वृंदर मोहन जी वो कहते रहे कि जेड़ा समय असी रखिया है उत्तों एक मिनट भी अगे पिछे नहीं होना चाहिए। इहदा मतलब उन्होंने अपने पिता की गल नूं याद रखिया ते सानूं दस्सिया। इसे तरह विजय कुमार जी तुसी भी प्रिंसीपल बंसी लाल जी के दसे मार्ग ते चल के
अगर जीवन व्यतीत करोगे समाज के नाल जुड़े रहोगे तो समाज ये कहूगा कि लै भी ये प्रिंसीपल बंसी लाल जी का बेटा उन्होंने पूरे दसे मार्ग से चल रहा है, यही थोड़ा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि ये जिहड़े असीं आपां जो जन्म किरिया जां करदे आ ना ये इसे करके करते हैं, पुराने समयां तो चले आ रहा इसे करके करते हैं कि जिहड़ी आत्मा सानूं छड्ड के गई है उहदे जो गुण सी असीं अपने जीवन च निर्धारित करिए ते जीवन बतीत करिए। मैं तुहाडे सारिआं नाल मिल के परम पिता परमात्मा के चरणों यही प्रार्थना करता कि दिवंगत आत्मा जिहड़ी सानू छड के चली गई है उन्होंने अपने चरणा स्थान दे और सारे ही परिवार को सारे उन्होंने मनण वाले साथियों ये भाणा मनण का बल बख्शे। ओम शांति शांति शांति। मुक्ता मार विमोचितम च हृदय सिंहासने संसितम भक्ता नाम वर्तम प्रसन्न भद्रम श्री सदगुरु नौ बंधो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत, तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। परम सत्कार जो आचार्य वासुदेव जी बहुत ही घनिष्ठ मित्र पवित्र श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी, इतनी बढ़िया तरीके से इन्होंने सारे स्टेज को संभाला है, लेकिन अपने बारे में भी बता दिया है कि मेरा उनके साथ क्या रिश्ता था और मुझे क्या आघात चोट आई है, ये अभी अभी इन्होंने बताया है। दास को धन्यवाद के लिए खड़ा किया गया है, सभी ने 10-10 मिनट लिए हैं, दास 5 मिनट लेगा, जरूर लूँगा, अधिकार है। आप सब लेट हैं लेकिन हाथ जोड़ करके विनती है, आए हुए सभी आगंतुक, सभी सम्मानित सीनियर सिटीजन, भारत विकास परिषद के सभी मेंबरान, अध्यापकगण और हमारे जो MLA साहबान, सभी का आए हुए सभी का बहुत बहुत परम सत्कार है और सारी संगत का भी बहुत सत्कार है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदी जात जंजीर। मेरे चौधरी साहब सिंहासन पर चढ़ करके सबने बता दिया कि राजनीतिक रिश्ते ये थे, सामाजिक रिश्ते ये थे, अरे आध्यात्मिक रिश्ते के बारे में बात करो ना, उनके आध्यात्मिक रिश्ते कैसे थे, वो कैसे अपने पूर्ण संत सतगुरु के साथ चरण शरण में बलि थे। मेरे साथ बहुत बाहर उनके साथ वार्तालाप होता था, घर आते थे बड़ा वार्तालाप होता था, लेकिन हमारा जो टेलीफोन पे या घर पे वार्तालाप होता था केवल केवल गुरु भक्ति के प्रति होता था। इसलिए होता था कि हम क्यों आए हैं, हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, मकसद क्या है हमारा आने का, इसी के ऊपर चर्चा हुआ करती थी। हम एक जीव आत्मा हैं, करोड़ों सालों से आ रहे हैं जा रहे हैं, सभी आएंगे सभी जाएंगे, किसी ने बैठ नहीं रहना, ये सब जो बैठे हुए हैं सबको जाना है, जाने का क्या दुख, दुख क्या है, उनके जो पीछे छोड़े हुए निशान है, उन छूटे हुए निशानों का दुख है। कैसे कैसे दास सबने अपने अपने अनुभव बताए, दास भी एक अनुभव बताना चाहता है। सत्संग जी मैंने जब हमारा रिश्ता तय हुआ तो मैंने चौधरी साहब के चरण पकड़े, अक्सर चरण पकड़ता था मैं, तो वो कहते थे आप तो वर पक्ष से हैं, मैं वधु पक्ष से हूं, ये आप क्या कर रहे हैं, तो मैं उनको कहता था आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप मुझसे कद में बड़े हैं, आप मुझसे ज्ञान में बड़े हैं, आप मुझसे तालीम में बड़े हैं, औहदों में बड़े हैं, आप बहुत बड़े हैं, मैं बहुत छोटा हूं, इसलिए मेरा हक बनता है, ये हक मत छीनिए। वो कहते नहीं ये बात नहीं हो सकती, आप तो वर पक्ष से हैं, मैं वधु पक्ष से हूं। तो मैंने कहा कि सुनो, जब रामचंद्र को दशरथ विवाहने के लिए आए हैं महाराजा दशरथ, तो जनक के आकर के जनक जब स्वागत करने के लिए बरात का आए हैं तो महाराजा दशरथ जी ने उनके पांव पकड़ लिए,
तो वो कहने लगे, अरे ये क्या कर रहे हो महाराज, आप तो वर पक्ष से हैं, मैं तो वधु पक्ष से हूं, मैं तो बेटी, मैं तो कन्यादान, मेरा तो, मैंने तो कन्या का दान करना है। तो दशरथ जी ने कहा कि दान आप कर रहे हैं, दान मैं ले रहा हूं, झोली मेरी है, मैं ऐसे दान ले रहा हूं, आप ऐसे दान कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ा दान जो आप ही कहते हैं, क्योंकि आप राज ऋषि हैं, आप ही कहते हैं कि सबसे बड़ा जो दान होता है वो कन्या का दान होता है, तो मैं अपनी बेटी बना करके इस कन्या को घर लेके आया। और राजा जनक जी लाजवाब हो गए, दशरथ जी ने उनके पांव स्पर्श किए और उन्होंने कहा यहां जगह नहीं आपकी, यहां जगह है, गले से लगा लिया। और चौधरी साहब ने भी इस दास को गले से लगा लिया। सासंगत जी वो अपनी गुरु मुक्ता में निपुण थे, वो जब से रिटायर होने के बाद, ठीक है, उन्होंने सारी सामाजिक और राजनीतिक सारी ही जितनी सेवाएं थी निभाई, लेकिन सबसे बड़ी सेवा उन्होंने अपने बच्चों के प्रति निभाई, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको नौकरियों पे लगाया, और सबसे बड़ी उन्होंने जो अपने गुरु घर के लिए योगदान दिए हैं, वो बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं, कहने करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे व्याख्यान हैं, बहुत सारी ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं, लेकिन समय की कमी है। अभी आचार्य जी ने बताया था कि समय की बहुमूल्य समय की कदर करनी चाहिए। सुदास भी उसी के आधार पर चलता हुआ अपना एक ही अनुभव आपसे शेयर किया है। और अंत में दास महाराज जी का और विशिष्ट जी का, सुदर्शन जी का, एमएलए साहिबान जी का, और सभी जितने हमारे सीनियर सिटीजन और रिश्तेदार, जितने भी भाईचारा, उनके भाई बंधु, उनकी बहनें, उनके जो रिश्तेदार परिवार, उनके बच्चों के, उनके बेटे के जो सारे के सारे संबंधी हैं, उनकी बहू के सारे संबंधी हैं, उनकी बेटी के जो सारे के सारे संबंधी हैं, जितने भी रिश्तेदार आए हैं, बुआ मामी ऊपर, और जितने भी और भाई बंधु आए हैं, जो शहर से भी आए हैं, भारत विकास परिषद से भी आए हैं, सभी आए हुए आगंतुकों का, सभी आए हुए मेहमानों का तह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है जी, बहुत बहुत शुक्रिया है जी। श्री राम भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और अंत में एक विनती है दास की भी कि एक थोड़ा सा आप लोगों से है तो विनती कि एक बार गायत्री मंत्र 3 बार बोलना है, आप सबने मेरे पीछे बोलना है, ओम भूर्भुव स्व दशत भीतर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नाम प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व दशत भीतर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नाम प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तसत वितर वरेण्यम वर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नाम प्रचोदया। शांति शांति ओम शांति शांति शांति।